तो हमारे इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम के फ्रैंकलिन पर कर दिया है आइसमैन। क्या फ्रैंकलिन आइसमैन से खुद को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, मैंने लाइफ में इतनी ज़्यादा गर्मी देखी है भाई, और बरसात भी नहीं हो रही और सूरज भी सर के ऊपर है भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि थर्मामीटर भी काम नहीं कर रहा यार। आज 50 डिग्री है धूप। अरे भाई यार, पूरी सड़क से भाई गरम गरम भाप निकल रहे हैं भाई। ये गर्मी तो मार ही डाला यार आज। इस प्रॉब्लम का कोई तो सलूशन मुझे निकालना पड़ेगा भाई, मैं ऐसे तो नहीं जी सकता। तो इस गर्मी से बचने के लिए क्यों ना भाई मैं एक आइस मशीन बनाऊं। तो मैं RGS टूल में आइस मशीन लिख देता हूं गाइस, यहां पर मेरे पास लोकेशन आ जाएगा जो कि भाई इस मशीन को लेकर मैं आइस मशीन बना सकता हूं। तो मुझे मिल चुका है आइस मशीन का लोकेशन, चलिए आप लोग को भी दिखाता हूं। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका हूं गाइस आइस मशीन के पास। तो आइस मशीन तक पहुंचने के लिए गाइज हम लोगों को ये कंटेनर को पार करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग उस आइस मशीन के पास चलते हैं गाइज। तो फटाफट से चलते हैं गाइज आइस मशीन के पास, देखते हैं कि दिखती कैसी है, क्योंकि लोकेशन में भाई दिखाया नहीं गया था कि आइस मशीन कैसे दिखती है। तो फटाफट से चलते हैं आइस मशीन के पास। तो यहाँ तक मैं आ चुका गाइज, और मैं बिल्डिंग पे भी पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मुझे चलना होगा इसके नीचे। तो हम लोगों को नीचे मिलेगा एक रैंप जो सीक्रेट है गाइस, उसको पार करना पड़ेगा। तो ये रहा अपना रैंप, और नीचे चलते गाइस। तो हम लोगों को जो बिल्डिंग दिख रहा ना गाइस, उसके नीचे है ये आइस मशीन है। तो चलते गाइस, और यहाँ से हम लोगों को कट लेना पड़ेगा, और ये हम लोग आ चुके हैं नीचे। तो फाइनली गाइस आइस मशीन हमको मिल चुका है, और ये रहा आइस मशीन। ये काफी बड़ा है गाइस, तो डिलीवरी वालों से मैं अपने घर पे इसको डिलीवर करवा लूंगा। तो चलते अपने घर पे। तो फाइनली गाइस अपने घर पे वो आइस मशीन डिलीवर हो चुकी है। मैं अपने ऊपर वाले छत पे जिम के रूम में रखा हुआ हूँ, तो जल्दी से उसके पास चलते गाइस। तो ये मैंने आइस मशीन को ऑन कर दिया गाइस। अरे भाई ये मशीन हिल क्यों रही है यार भाई, इसके अंदर क्या हो सकता है यार। अबे भाई बंद हो चुकी, अबे कैसे बंद हो गई यार। तो गाइज अपनी आइस मशीन है ना, वो डेड हो चुकी, हमको लगता है डेड हो चुकी है भाई। तो कम्प्लीटली अपनी आइस मशीन खराब हो चुकी है गाइज। तो मैं जल्दी से जाके अपने रूम में सो जाता हूँ। भाई इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही भाई, भाई क्या हो रहा है, मैं बाहर चल के जल्दी से देखता हूँ। भाई बर्फ, भाई मेरे घर के सामने बर्फ, भाई ये क्या हो रहा है। भाई इधर भी बर्फ, भाई भाई ये क्या हो रहा है यार। भाई ऊपर से भी बर्फ गिर रहे हैं, और ये सामने देखो गाइज, सामने बर्फ के बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं आपको। तो ठंडी आ ही चुकी है गाइस, तो मैं बनाने वाला हूँ स्नोमैन। तो मैं गोले लाकर बना लूँ बहुत बड़ा स्नोमैन गाइस। तो भाई मेरा स्नोमैन देखो आप लोग, कितना बड़ा दिख रहा है गाइस ये। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो ठंडी आई कैसे। मुझे लगता है जो भी हुआ है उस मशीन के वजह से हुआ है, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ गाइस। ठंडी आ ही चुकी है गाइस, तो मैं सोने वाला हूँ। मैं बाहर जाकर करूंगा ही क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है बाहर। अरे भाई पूरी की पूरी जगह बर्फ ही बर्फ है गाइस, चला भी नहीं जा रहा है, पूरी तरह से पूरा बर्फ से ढक चुका है ये। भाई इधर इतनी बर्फबारी पड़ रही है कि पूरी जमीन ढक चुकी है भाई, इतनी ज्यादा बर्फ। अरे भाई ये सपना था क्या, एक सेकेंड ये सपना था। भाई जल्दी से बाहर चल के देखते हैं। भाई एक सेकेंड, मेरा स्नोमैन पिघल चुका यार इतनी ठंडी में, ये कैसे हुआ। भाई पूरा रोड बर्फ से ढक चुका है, पूरा ये स्टेशन भी बर्फ से ढक चुका है गाइस। भाई एक सेकेंड, ये तो वही स्नोमैन है जिसको मैंने बनाया था। भाई ये जिंदा कैसे हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, मैं इससे लड़ूंगा कैसे। भाई अरे भाई ये मार रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, भाई ये क्या, भाई ये मुझे मार दिया भाई।